दोस्तों, क्या आप भी VPN यूज़ करते हैं? तो क्या आपने कभी सोचा है कि जो आप VPN यूज़ कर रहे हैं वो सिक्योर है या नहीं है? कहीं उस VPN की वजह से आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक तो नहीं हो रही है? कहीं आपका डिवाइस हैक तो नहीं हो रहा है उस VPN की वजह से? और कई भाई लोगों का कुछ ये सवाल था कि हमारी कंट्री में व्हाट्सअप बैन है और हम व्हाट्सअप पर वीडियो कॉल करते हैं VPN के थ्रू, क्या वो वीडियो कॉल सिक्योर है? तो आज की ये वीडियो इसी टॉपिक पर है, VPN कितना सिक्योर है और कितना नहीं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है इमरान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल EFA। सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। देखिए, VPN कितना सिक्योर है कितना नहीं, ये जानने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि VPN क्या है और ये किस तरह से काम करता है। VPN मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। VPN हमें एक प्राइवेट नेटवर्क प्रोवाइड करता है। इसकी ज़रूरत कब पड़ती है? जैसे कि हमें किसी अदर कंट्रीज़ की वेब सीरीज़ देखनी है या फिर वेबसाइट पर जाना है जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर हमारी कंट्री में कोई वेबसाइट या फिर कोई ऐप बैन हो गया है, उसको यूज़ करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं VPN। अब इससे पहले ये जान लीजिए कि कंट्री में किसी भी चीज़ को बैन किया जाता है तो किस तरह से बैन किया जाता है। जैसे कि हमारी कंट्री में किसी भी वेबसाइट को बैन किया जाता है तो सरकार द्वारा एक नोटिस जारी किया जाता है, उन सभी टेलीकॉम ऑपरेटर को दिया जाता है, जैसे कि जियो, वोडाफोन, एयरटेल, जितने भी नेटवर्क है, इसके अलावा वाईफाई नेटवर्क है, इन लोगों को एक नोटिस दिया जाता है कि ये वेबसाइट का लिंक अपने अपने सर्वर पर ब्लॉक कर दें। उसके बाद हमारी इंडिया में ये वेबसाइट बैन हो जाती है। अब जितने भी यूज़र हैं इंडिया के, IP एड्रेस सभी का इंडिया का ही होगा। अब वो जाएंगे उस वेबसाइट पर तो वहाँ पर एक दरवाज़ा बंद हो जाएगा, वहाँ पर आपको शो हो जाएगा एरर, क्योंकि इंडिया वालों की एंट्री नहीं है वहाँ पर, क्योंकि बैन है हमारे इंडिया में, क्योंकि हमारा IP एड्रेस है इंडिया का। अब ऐसे में हमें उस बैन वेबसाइट को, ब्लॉक वेबसाइट को ओपन करने के लिए ज़रूरत पड़ जाती है VPN की। कई बार हमें अदर कंट्रीज़ के वेब सीरीज़ देखना होता है, कोई प्रोग्राम देखना होता है जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तब भी VPN की हमें ज़रूरत पड़ जाती है। अब VPN कैसे काम करता है? VPN को हमने जब कनेक्ट किया उसके बाद हम जाएंगे उस VPN पे। अब वो VPN क्या करेगा? वो हमारा IP एड्रेस और हमारा लोकेशन अपने पास रख लेगा और हमको वो एक प्राइवेट नेटवर्क देगा, एक नया IP एड्रेस देगा जो अदर कंट्रीज़ का होगा। बाकी आपकी चॉइस है, अगर आप किसी भी VPN को परचेज करते हैं तो आप अपनी पसंद के किसी भी कंट्री का VPN ले सकते हैं। अगर आप फ्री का VPN यूज़ कर रहे हैं तो आपको किसी भी कंट्री का IP एड्रेस दे दिया जाएगा, फिर आप उसी ब्लॉक वेबसाइट को, बैन वेबसाइट पर जाएंगे तो वो वेबसाइट को आराम से आप विजिट कर पाएंगे। तो इसी तरह से आपकी कंट्री में व्हाट्सअप बैन है और आप वीडियो कॉल करते हैं इंडिया में, तो आप VPN कनेक्ट करते हैं तो आपका व्हाट्सअप ओपन हो जाता है और आप वीडियो कॉल कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि हम जितनी भी वेबसाइट पर विजिट करते हैं VPN के थ्रू और व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करते हैं, क्या ये सभी चीज़ें सिक्योर हैं? क्या VPN सिक्योर है? सबसे पहली चीज़ बता दूं, आपको VPN वही यूज़ करना है जिस पर आपको भरोसा है, बिलीव है कि हाँ भाई ये VPN बिल्कुल सिक्योर है। जैसे कि ओला VPN आपने सुना होगा, हो सकता आप यूज़ भी कर रहे हों, बहुत ज़्यादा यूज़र्स हैं इसके, अच्छी मार्केटिंग है, लेकिन ये बिल्कुल सिक्योर नहीं है। ये काम क्या करता है ओला? ये आपके ही नेटवर्क को VPN बना देगा और ये किसी और को प्रोवाइड कर देगा। अगर उसने कुछ ऐसा वैसा किया तो पकड़े जाएंगे आप, क्योंकि आपका नेटवर्क का VPN उसे मिला हुआ है, आपका IP एड्रेस उसको दिया गया है। तो ये बिल्कुल भी यूज़ ना करें, ओला बिल्कुल सिक्योर नहीं है। इसके अलावा ओला पर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक भी हो सकती है, ठीक है। अब बात करें बाकी VPN कैसे सिक्योर है और कैसे नहीं सिक्योर है। देखिए, अगर आप फ्री का VPN यूज़ कर रहे हैं तो वो इतने ज़्यादा सिक्योर नहीं है, वहाँ पर रिस्क होता है। अगर आप VPN के थ्रू अपना पर्सनल अकाउंट लॉगिन करते हैं या फिर ऐसा कुछ भी करते हैं कि आप चाहते हैं कि आपके अलावा किसी और को ना पता चले, तो आप फ्री के VPN यूज़ ना करें, क्योंकि फ्री के VPN में ज़्यादा सिक्योरिटी फीचर्स भी नहीं होते, ना ही ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती है, तो इसलिए आप फ्री VPN यूज़ ना करें। बात करें अगर व्हाट्सअप की वीडियो कॉल, तो वो बिल्कुल सिक्योर है, क्योंकि व्हाट्सअप की वीडियो कॉल है इनक्रिप्ट और बीच में जो नेटवर्क है VPN, वो सिक्योर नहीं है। तो अगर कोई हैकर्स चाहे उसको हैक करना या फिर VPN खुद चाहे आपकी वीडियो कॉल देखना तो वो नहीं देख सकता है। लेकिन उस VPN को ये पता होता है कि आप व्हाट्सएप पर हैं, आपने कितनी देर व्हाट्सएप यूज़ किया, आपने कौन कौन सी कंट्री में जाके कौन कौन सी वेबसाइट को यूज़ किया है और अपना कौन सा अपना अकाउंट लॉगिन किया है,
तो ये सारी चीज़ें VPN देख सकता है। अगर आप अपना पर्सनल अकाउंट लॉगिन करते हैं तो ये सारी चीज़ें भी फ्री के VPN में ना करें, क्योंकि वो VPN ये देख सकता है कि आप क्या क्या चीज़ें लॉगिन कर रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है कि हम VPN कौन सा इस्तेमाल करें, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि VPN वही यूज़ करें जो पेड VPN होते हैं। वो ज़्यादा सिक्योरिटी फीचर्स देते हैं, ज़्यादा फैसिलिटीज़ देते हैं और वहाँ पर आप बिल्कुल सिक्योर रहते हैं थर्ड पार्टी हैकर से भी, और वो ख़ुद भी सिक्योर होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ख़ुद आपको VPN सजेस्ट करूँ कि कौन से यूज़ करना चाहिए, तो इसके लिए मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं एक स्पेशली वीडियो बना दूंगा और उसमें कुछ VPNs आपको सजेस्ट कर दूंगा कि कौन से VPN आपको यूज़ करना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।